सीटीसी ऑर्डर 5, इसका हेड नोट है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। अब इशू ऑफ समन्स रूल 1 कहता है व्हेन ए सूट हैज बीन ड्यूली इश्यूटेड ए समन्स। अब देखिए इसे शुरू में पॉइंट आउट किए थे, समन्स हमेशा प्लुरल यूज होता है, उसके पहले ए वर्ड है फिर भी समन्स आया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ए समन्स मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन दैट डिफेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है, मे यूज हुआ है वर्ड, इसका ये मतलब कई नहीं है कि कोर्ट का डिस्कशन है कि समन नहीं भी इशू कर सकता है। मे इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है कि डिफेंडेंट को राइट है कि विदाउट सर्विस ऑफ समन्स भी अपियर कर जाता है, तो जब डिफेंडेंट अपियर कर गया तो समन्स इशू करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। जब सुओ मोटो डिफेंडेंट अपियर कर गया तो सर्विस की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मे। Provided that no such summons shall be issued when a defendant has appeared at the presentation of plaint and admitted the plaintiff's claim. उसी को clarify कर दिया, proviso में कर दिया है। फिर है provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for agents to be recorded in writing. बट सच शैल नॉट बी लेटर दैन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस समन। एग्जैक्टली ये जो प्रोविजो है पहले नहीं था, ये भी बाद में अमेंडमेंट से ही आया है 2002 में। ये चूंकि ऑर्डर 8 में अमेंडमेंट जो हुआ वहाँ और यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहा, इसलिए ऑर्डर 8 में भी देखिएगा तो यही प्रावधान है कितना टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब किया गया है। अब सब क्लॉज 2 कहता है डिफेंडेंट टू हू बे समन हैज बीन इशूड अंडर सब रूल 1 मे अपियर इन पर्सन। ये डिस्क्रिशन है, कोई भी क्लाइंट स्वयं कोर्ट में अपीयर होकर अपना केस लड़ सकता है, इसमें कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परमिशन की आवश्यकता पड़ती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह यह स्टैट्यूटरी राइट है किसी भी सिटीजन को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने का, वहाँ का रूल्स परमिट नहीं करता है पर्सनल अपीयरेंस का अनलेस लीव इज ग्रांटेड बाई दी कोर्ट। वहाँ पर अगर किसी को पर्सनल अपीयरेंस के लिए परमिशन लेगा हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से तो अपना केस बहस कर सकता है। उसकी वजह जो है यही है कि हाई कोर्ट में जनरली और सुप्रीम कोर्ट में लॉ पॉइंट्स पर केसेस होते हैं अपलेट और ओरिजिनल स्टेज में या रिट का ओरिजिनल जुडिक्शन में, तो जो ऑर्डिनरी क्लाइंट है या कोई नॉन लीगल फील्ड का आदमी है, इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हो और मेडिकल हो किसी भी दूसरे लाइन का हो, तो दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट डिक्री डिकोरम ऑफ द कोर्ट, तो उसको डिफाई नहीं करे और कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं करे, इसलिए कोर्ट से लीव लेने का प्रावधान बना दिया गया है। अगर कोर्ट समझता है कि दिस पर्सन इज सफिशियंट अपना केस प्रेजेंट कर सकता है तो कोर्ट उसको सुन के उसी तरह से उतना ही महत्व देगा जितना एक लॉयर सीनियर लॉयर या जूनियर लॉयर को, ऑल आर एट पार बिफोर द कोर्ट सुनता है। कुछ दिन पहले की बात है, पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ एक क्लाइंट था, मेरे ख्याल से वो लगता है कि 8-10 क्लास या मैट्रिक तक पढ़ा हुआ होगा तो नहीं कह सकते हैं। एक मंदिर टूटने का था, उसका प्राइवेट मंदिर था, साइड तोड़ दिया गया था या उसका बाउंड्री टूटा था, कुछ इसी तरह का विवाद था। वो बहस कर रहा था इन पर्सन, जज साहब बार बार पूछे कि आप वकील रखिए वकील रखिए, क्योंकि उसके अपीयरेंस से लग रहा था कि इज नॉट सो कॉम्पिटेंट टू आर्गू और प्लेस हिज ओन केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट के लॉयर एडवोकेट जनरल एक्सपीरियंस लॉयर अपीयर हो रहे थे, उनके अगेंस्ट में उसको रिप्लाई देना था। तो चीफ ने उनको कहा कि आप अब कोई भी हम एडजॉर्न करेंगे अगर आप कोई वकील रखिएगा। कई बार ये पुअर फेलो कहा कि सर हम वकील नहीं रख सकते हैं, हम खुद बहस करेंगे। तो अपनी बात को कहा किसी भी तरह से, लेकिन जानकार नहीं था। तब जज साहब ने उसको मौका दिया कि फिर हम आपको मौका देते हैं, फिर तैयार होके आइए और किसी लॉयर को आप
लेकर के आइए, और अगर लॉयर नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन दीजिए कि हम लॉयर नहीं रख सकते हैं, तो हम आपको लीगल एड का प्रावधान है, हम आपको लीगल एड दिलवाएंगे। ऐसा भी देखा है, बाद में क्या हुआ नहीं कह सकते हैं, चूँकि उस दिन मेरा भी केस था, हम सुन रहे थे, वो आदमी अपना जो फैक्ट था अपनी भाषा में किसी तरह से कह रहा था, लेकिन जो इशू इन्वॉल्व था उसके लिए वो कम्पिटेंट नहीं था कि एडवोकेट जनरल के आर्गूमेंट का वो ठीक से जवाब दे सके, तो ऐसा सिचुएशन होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रावधान बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ भी कोर्ट है लोअर कोर्ट, उस इलाके के लोगों का जो बोलचाल की भाषा है, चूँकि ये हिंदी भाषी प्रदेश है तो हर आदमी हिंदी बोलता समझता है, लोकल लैंग्वेज में मगध रेंज में मगही है और मिथिलांचल में मिथिला है और भोजपुर में भोजपुरी है, लेकिन सब तो संस्कृत से ही निकला हुआ और मगही का ही मिला जुला हुआ स्वरूप है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, तो शुद्ध हिंदी भी लोग समझ लेता है, कुछ बोल भी लेता है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि बहुत बार लोअर कोर्ट में इन पर्सन लोग अपीयर होता है, सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है। यहाँ पर इसलिए बनाया हुआ इन पर्सन और बाई ए प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मेटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस सूट, और तीसरा है बाई ए प्लीडर एकॉम्पनीड बाई सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चन, एवरी सच समन शैल बी साइंड बाई द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। ये स्टेज जब समाप्त हो गया, दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स टू समन्स, एवरी समन्स शैल बी अकॉम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ प्लेंट, ये मैंडेटरी है। पुराना केस लॉ मिलेगा आपको, दो राइटअप जो दिए हैं उसमें दो केस लॉ दिए हैं, पुराना ही केस लॉ है जो अब एब्सोल्यूट हो गया, सिर्फ जानकारी के लिए आपको दे दिए। पहले क्या होता था कि समन्स जो जाता था तो समन मुसन्ना तलवाना ही जाता था, अगर नहीं सर्व हो सका तब उसके बाद लोग पोस्ट कार्ड, जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे 1970 में तो उस समय बहुत प्रिविलेंट था, हम लोग पोस्ट कार्ड में लिख करके, तो पोस्ट कार्ड में क्या रहेगा, कॉपी ऑफ द प्लेंट तो पोस्ट कार्ड में जा नहीं सकता, और पैसे का थोड़ा अभाव रहता था उस समय, तो मुंसिफ पैसे, आप लोग अगर मुंसिफ हैं तो 220 रुपया तो स्केल ही था मुंसिफ का जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, तो उस समय पोस्ट कार्ड 5 नया पैसा में शायद मिलता था, या 2 नया पैसा या 3 नया पैसा, तो पोस्ट कार्ड में लोग लिख देते थे एड्रेस, केस का नंबर, टाइटल सूट नंबर और एड्रेस वगैरह लिख करके, और कोर्ट आदेश भी फ्रिक्वेंटली होते रहता था कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कार्रवाई करें, भेग टाइप का ऑर्डर रहता था, और रजिस्टर्ड पोस्ट से चला गया तो रजिस्टर्ड पोस्ट अगर सर्व होके चला आया तो लोग सर्विस मान लेते थे, उसके आगे प्रोसीडिंग हो जाता था, एक केस में मामला फंसा हुआ हाई कोर्ट तक मैटर आया, तब थ्रेड वेयर डिस्कशन हुआ कि इसको प्रॉपर सर्विस कैसे माना जाएगा, ऑर्डर 5 के किसी भी रूल में नहीं लिखा हुआ है कि ये पोस्ट कार्ड में जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ था, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब है कि समन मुसन्ना जो है, यानी कि समन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट दोनों रजिस्टर्ड इन्वेलप में जाएगा, इसका मतलब ये होना चाहिए, न कि रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड होना चाहिए, पोस्ट कार्ड में तो प्लेंट की कॉपी है नहीं, उसके साथ अटैच है नहीं, हो भी नहीं सकता है, ओपन होता है पोस्ट कार्ड, आप लोग पोस्ट कार्ड तो देखे हैं ना, यूज तो नहीं किए होंगे, चूंकि अब ईमेल का जमाना आ गया था, पोस्ट कार्ड कौन लिखता है, आजकल के तो लड़के लोग को लेटर लिखने में भी डिफिकल्टी होती है। तो पोस्ट कार्ड पर एक जजमेंट दिया है, उसमें देखिएगा पोस्ट कार्ड वाला जो तामिला माना गया उसको हाईकोर्ट ने डिसबिलीव कर दिया कि इट इज नॉट ए प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स, चूंकि पोस्ट कार्ड का कोई ऑर्डर 5 में प्रावधान नहीं, क्योंकि उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेंट नहीं, अगर समन्स है कॉपी ऑफ प्लेंट है और इनवेलप में बंद करके रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है तब वो प्रॉपर कंप्लायंस हुआ। अब रूल 3 क्या कहता है, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और रिलेटिव टू अपियर इन पर्सन, किसी किसी केस में आप पर्सनल अपियरेंस का डायरेक्शन भी दे सकते हैं, when the court sees reason to require the personal appearance of the defendant, the summons shall order him to appear in person in court or
on the day therein specified, where the court sees reason to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for such appearance. अब रूल फोर का था, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स. नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और विदाउट सच लिमिट बट एट ए प्लेस लेस देन 50 और वेयर देर इज रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन और अदर एस्टैब्लिश्ड पब्लिक कन्वेंस for 5/6 of the distance between the place where he resides and place where the court is situated less than 2000 miles distance from the courthouse. ये exceptional situation के लिए आजकल इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं और उस तरह का केस नहीं आता है कि आप पर्सनल अपियरेंस के लिए सिविल केस में डिफेंडेंट को इंसिस्ट करें. अगर कोई आएगा वैसा तो उस समय इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब रूल फाइव का था, समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल. देखिए ये रेलिवेंट है. समन्स दो तरह का होता है, एक होता है समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू और एक समन्स होता है फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट. आप अपेंडिक्स में जाइएगा जहाँ की प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है अपेंडिक्स में, तो अपेंडिक्स में फॉर्म मिलेगा, समन्स का फॉर्म मिलेगा, दोनों फॉर्म मिलेगा, सेटलमेंट ऑफ इशू का भी मिलेगा और फाइनल डिस्पोजल का भी मिलेगा. आजकल जो यहाँ प्रैक्टिस में हो रहा है एक ही समन्स जाता है, ऑर्डर फाइव रूल टू का ही जाता है, फॉर इशुएंस समन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू. सेटलमेंट ऑफ इशू कब होता है? सेटलमेंट ऑफ इशू तब होता है जब डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट दे देता है. ऑर्डर एट का रूल, ऑर्डर एट का जो रूल्स है, डिफरेंट रूल्स का प्रोसीजर सब समाप्त हो गया और ऑर्डर नाइन रूल सिक्स में आपने वैलिड सर्विस ऑफ समन्स डिक्लेयर कर दिया, तब ऑर्डर फोर्टीन में जा कर के इशू फ्रेम होता है, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ. तब जब सेटलमेंट ऑफ इशू हो जाएगा उसके बाद हियरिंग स्टार्ट होता है. एसीपी से बेसिक प्रोसीजर यही है. तब आप अगर सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समन्स में लिखा हुआ है डिफेंडेंट इज डायरेक्टेड टू अपियर पर्सनली और थ्रू एनी रिकॉग्नाइज एजेंट, एडवोकेट आर आल्सो एजेंट ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट हुआ प्रिंसिपल, तो रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब जो लाइसेंस्ड हो. एडवोकेट्स आर licensed person to appear in court on behalf of the client. उसके लिए बार काउंसिल उनको license grant करता है. तो जब कोई recognized pleader appear करता है तो क्या direction रहता है कि आप जवाब दीजिए, written statement दीजिए. तो जब written statement देगा और समन्स में ही लिखा हुआ है फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, इससे भी पता चलता है कि वो पहले जवाब देगा तब सेटलमेंट ऑफ इशू होगा. तो जब सेटलमेंट ऑफ इशू हो गया तो फिर दोबारा समन्स फॉर हियरिंग के इशू करने की आवश्यकता ही नहीं. तो नॉर्मल कोर्स में दो प्रावधान रहते हुए भी एक ही प्रावधान से काम चल जाता है, इसलिए इनिशियल स्टेज में समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू ही जाता है. दोनों का कंटेंट्स अगर देखिएगा अपेंडिक्स में, बाद में कभी गौर से देखिएगा, हम सिर्फ अभी हिंट कर देते हैं, तो दोनों के कंटेंट में स्लाइट डिफरेंस पाइएगा. अगर मान लीजिए कि सेटलमेंट ऑफ इशू का समन्स अवेलेबल नहीं है तो फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट का भी समन्स अगर आप इशू कर देते हैं गलती से, ऑफिस वाले की गलती से या आपकी गलती से या वकील की गलती से, तो वो इलीगलिटी नहीं होगा, इरेगुलरिटी कहलाएगा. उससे कोई फैटल नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ट्रायल के मेरिट पर और कोर्ट के प्रोसीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ये हो गया आपका पांचवा. फिर छठा कहता है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, ये कौन सा डेट आप देंगे ये कहता है. और सात कहता है समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोसीड डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम. ये एक स्पेशल प्रोसीजर है रूल सेवन में, ये सर्विस ऑफ समन्स के अतिरिक्त है.
अगर किसी डिफेंडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रायल, कोर्ट सुओ मोटो या ऑन द प्रेयर ऑफ द प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में समन्स इशू कर सकता है विथ ए डायरेक्शन टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट। उसके लिए ये प्रावधान यहाँ पर बनाया गया। और रूल 8 कहता है ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। फाइनल डिस्पोजल के लिए अगर जो समन्स इशू होगा उसका माने ये लगाया गया कि आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप गवाह लाइए। तो चूंकि प्रोसीडिंग रेगुलर चलते रहता है तो प्रैक्टिस में ये समन का उपयोग नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है क्योंकि वकील रिप्रेजेंट करता है, प्लेंटिफ का वकील और डिफेंडेंट का वकील अपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्डर शीट में आ जाता है कि प्लेंटिफ अपना गवाह लामे, साक्ष्य दे, प्लेंटिफ इज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज ओन विटनेस। आजकल तो आप लोग जान रहे हैं क्रिमिनल में आप लोग ऑन एफिडेविट ले रहे हैं एविडेंस, और पहले तो एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट में डॉक में होता था, अभी बंद हो गया ना आप लोग के यहाँ? अभी भी हो रहा है, दोनों चल रहा है, अभी ऑन एफिडेविट आपके यहाँ नहीं आ रहा है, सिविल में सिर्फ आ रहा है। मेरे ख्याल से सिविल क्रिमिनल दोनों के लिए, लेकिन अभी क्रिमिनल में आप फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, सिविल में हो रहा है, हाँ ठीक है। अभी तो झारखंड में हमको एक क्लाइंट है, केस है मेरे अंडर में हाई कोर्ट, वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, धनबाद सब जज कोर्ट का मैटर है, यहीं से हम सब ड्राफ्ट करके देते हैं, वहाँ पर वकील लोग करते हैं। तो वहाँ पर एफिडेविट पर प्लेंटिफ का एविडेंस हमने यहाँ से भेजा था, तो वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं हुआ, उसके लिए भी एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुआ कोर्ट ही के प्रेमिसेज में, जो कि यहाँ भी नहीं फॉलो हुआ, वहाँ का रूल्स इतना एडवांस हो गया। जैसे कमिश्नर बहाल हो सकता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई आदमी विदेश जा रहा है, उसके पास समय नहीं है, कोर्ट में अपीयर नहीं कर सकता है, बीमार आदमी है, मूवमेंट उसके रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सा कारण है जिसमें किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन ऑन कमीशन हो सकता है, उसका प्रावधान सीपीसी में है, कोर्ट को अधिकार है कमीशन इशू करने का। तो वो कमिश्नर जाएगा, वो एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन सब करेगा जैसे कि कोर्ट में होता है। लेकिन अभी झारखंड का हमको रिसेंटली एक केस में मौका मिला, हमने पूछा क्लाइंट से, वो खुद प्लेंटिव था, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उसने कहा कि सर एक वकील साहब ही हमारा वो कोर्ट कैंपस के अंदर ही वकालत खाना में एक अलग रूम बना हुआ है जहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कमिश्नर साहब बैठे और दोनों पार्टी के वकील बैठे, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो इट वॉज ऑन कमीशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन कमीशन, इवन इन ए करेंट केसेज इन ए कोर्ट प्रेमिसेज। तो ये और कट शॉर्ट कर देगा, कोर्ट के वर्कलोड को कम कर देगा, ये अच्छी बात है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, बाई एंड लार्ज यहाँ भी हो ही जाएगा। तो अभी आपके यहाँ एफिडेविट पर एविडेंस नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ दिन में आ जाएगा, सिविल में प्रोसीजर में आ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि सिविल में अगर हम अपीयर कर गए हैं डिफेंडेंट की तरफ से, WS दे दिए हैं, तो उसका इशू बनेगा, इशू बनने के बाद प्रैक्टिस में नहीं है कि दोबारा समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट यानी कि हियरिंग के लिए दोबारा समन भेजा जाए, क्योंकि बोथ पार्टीज अपीयर्ड है तो समन भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं किया जाता है, और बोथ पार्टीज को मालूम है कि किसको विटनेस देना है। तो प्लेंटिव नॉर्मली हर केस में प्लेंटिव पहले देता है, कुछ अपवाद है केसेस जहां पर कि वर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट का होता है तो डिफेंडेंट भी पहले दे सकता है, उसके लिए ऑर्डर 18 में प्रावधान बना हुआ है, वो आगे प्रावधान है, आगे आपको बताया जाएगा जब उसका टॉपिक आएगा। तो अभी इतना ही बता देते हैं कि हु विल लीड एविडेंस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्लेम ऑफ द पार्टीज, और उसका यार्ड स्टिक है क्या कि जिसके ऊपर वर्डन ऑफ प्रूफ है, कोई फैक्ट को एलेज किया और दूसरा ने उसको डिनाई किया, उसका वर्डन किसके ऊपर है वही पहले लीड करेगा। नॉर्मल कंडीशन में प्लेंटिफ लीड करता है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल कंडीशन हो तो डिफेंडेंट भी पहले गवाही देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि एक आदमी ने पार्टीशन सूट फाइल किया,
कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट है बांट दिया जाए। डिफेंडेंट ने प्ली लिया कि नहीं, ऑलरेडी पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स हो गया है, तब इसका वर्डेड किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर है। चूंकि हिंदू लॉ का केस अगर है तो हिंदू लॉ में प्रिजम्पशन है कि एवरी फैमिली ज्वाइंट अनलेस कंट्ररी इज प्रूव, इसलिए कॉन्ट्ररी किसको प्रूव करना होगा? डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा। प्लेंटिव को तो कह दिया कि हिंदू फैमिली है तो ज्वाइंट माना ही जाएगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट एविडेंस लीड करना पड़ेगा डिफेंडेंट, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में प्लेंटिव करता है। तो रूल 8 इसी के लिए बना हुआ है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब 9 से लेकर के ये सब जो प्रावधान है आगे का, ये सब समन्स लेके जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस पर डिटेल बताया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। आप लोग सुने होंगे कि चपरासी लेके जाता है और बोगस या फॉल्स रिपोर्ट कर देता है, सुने हैं कि नहीं? हमेशा होता है, ये भी आइडिया है। और ये जुडिशियल नोटिस में हाई कोर्ट सुप्रीम तक का है। हाँ, एकदम ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में है तो आप जरूर कंसस रहिएगा। बहुत दिन की बात है जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नगेंद्र राय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे परहैप्स, या नया नया जज हुए ही थे, उनका एक मैटर था, मेरा ऐसा ही कोई ऑर्डर लोअर कोर्ट का था, जो अदर साइड ने चैलेंज किया था कि विदाउट सर्विस ऑफ समन्स ये पास किया गया ऑर्डर, उसी ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था। हमारा कहना था कि सर्विस हो गया है, हम लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारा आर्गूमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन था जज साहब का वो प्रैक्टिकल अप्रोच था। हालांकि आप लोग उस ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट अबव ऑल, तो वो हालांकि उसको उन्होंने भी ऑर्डर में नहीं लिखा, लेकिन उनका ओरल जो कोर्ट में रिमार्क हुआ वही था कि राजेश्वर बाबू इस नीम तले वाला तामला रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मानते हैं। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। तो नीम तले वाला का मतलब क्या है कि हर सिविल कोर्ट में देखिएगा नीम का पेड़ जरूर होता है, नीम बड़ा बड़ा पुराना पेड़ सब देखिएगा, वर और पीपल, नीम और पाकड़, ये चार तरह का पेड़ ज्यादा होता है इस इलाके में, तो घना भी होता है, छायादार भी होता है, ऑक्सीजन भी देता है, पीपल तो 24 आवर्स देता है, तो इसलिए उसका महत्व भी है पर्यावरण के हिसाब से। और कोर्ट कैंपस के अंदर बहुत लोग असेंबल होते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत करते हैं, तो प्यून भी जो लिखता है रिपोर्ट वही बैठ के लिखता है, पहले के ज़माने में लोग देखते थे, इसीलिए लोग इसको मान गए कि नीम तले वाला तल माना, मैंने वहीं पर बैठ के लिख देता है प्लेंटिफ के कॉलूजन में जाकर के, तो कॉलूसिंग रिपोर्ट माना गया। तो देखिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया तो कितना कंसस था कि उसको शुरू से उसने डिसबिलीव किया कि प्रोसेस सर्वर प्यून जो होगा वो गलती करेगा, बेईमानी करेगा, इसलिए बहुत सा चेक एंड बैलेंस लगा दिया। जैसे सीआरपीसी में हम देखते हैं कि कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलिवेंट, सेक्शन 25 क्यों बना दिया सीआरपीसी में, उसको मालूम था कि जो नीचे का पुलिस ऑफिसर है इंडियन वो गड़बड़ करेगा, उस स्टैच्यूटरली डिसबिलीव कर दिया पुलिस को। उसी तरह से यहाँ प्रोसेस सर्वर प्यून के ऊपर पूरा बैन लगाया। बैन क्या लगाया? अगर वो जाएगा समन्स लेकर के तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू सर्व द समन्स पर्सनली। आप सिविल कोर्ट रूल्स में देखेगा रूल 24 से लेकर के 35 रूल तक के बीच में आपको मिलेगा समन्स वगैरह के बारे में, उसमें कई जगह मिलेगा कैसे कैसे क्या करना है। और रूल 5 में इसमें भी, ऑर्डर 5 में के रूल्स में भी मिलेगा 9 एंड ऑन वार्ड्स में। तो पहला अटेम्प्ट है, होना चाहिए प्रोसेस सर्वर भी उनका कि समन्स मस्ट बी सर्व पर्सनली। तो पर्सनली सर्विस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डिफेंडेंट का नाम पता सही होना चाहिए, अगर नाम पता सही है तो सही जगह पर प्यून जाएगा। हु विल आइडेंटिफाई? वो हरिमोहन झा है डिफेंडेंट, उसका बाप का नाम है मधुकर झा और अमुक गांव है, वो यही व्यक्ति है, वो चपरासी कैसे समझेगा आपका कोर्ट का चपरासी? तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया देयर मस्ट बी सम पर्सन टू आइडेंटिफाई दैट फेलो। तो उसके लिए बेस्ट
आइडेंटिफायर जो प्लेंटिफ होता है वही होता है, चूंकि गलत आदमी को पहचान नहीं कराएगा क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, तो वो सही आदमी को जिससे उसको झगड़ा है उसी को जिस पर केस किया है वो पहचान कराएगा, तो प्लेंटिफ को खोजेगा या प्लेंटिफ को लेके जाएगा। अगर प्लेंटिफ नहीं है उस गांव का नहीं रहने वाला है तो वहां पर जो भी ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है, जैसे चौकीदार है, दफादार है, ग्राम में ग्राम सेवक होता है या और वार्ड सदस्य आजकल ग्राम में होता है, कोई उस तरह का पब्लिक ऑथोरिटी अगर है तो उसको वो बुलाएगा, उससे संपर्क करेगा, उससे पहचान करवाएगा और जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तब उस व्यक्ति को टेंडर करेगा। तो पहला स्टेप है पहचानना, दूसरा स्टेप है टेंडर करना, मतलब देना। वो देगा, जिस व्यक्ति को देगा डिफेंडेंट को, वो उसको देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि हाँ ठीक है मेरे नाम का है, तो वो रिसीव करेगा, यानी कि वो एक्नॉलेज करेगा कि हमने सम्मन पाया। तो कहाँ पर वो एक्नॉलेज करेगा, तो जब समन्स जो जाता है वो समन्स भी दो कॉपी में जाता है, तो फर्स्ट कॉपी को समन्स बोलते हैं, दूसरा कॉपी को क्या बोलते हैं, ये आप सुने हैं नहीं सुने हैं, नोट कीजिए, इधर से आई थी आवाज मसन्ना, तो अब समन का दूसरा कॉपी का नाम क्या है जो अदालत में बोली गोसवारा। हाँ ठीक है, आप सुने हैं पहले या क्लास में बताए थे जो याद किए हुए हैं, क्लास में बताए, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो जो क्लास में जिनको बताए थे उनको ए प्लस प्लस ए थ्री प्लस याद किए हुए हैं, यही आपको काम देगा। अभी तो देखते हैं बहुत से हायर जुडिशियरी वाले अफसर को एकदम बेचैनी हो जाती है जब टिपिकल प्रॉब्लम आ जाता है, तुरंत रेस्क्यू में संपर्क करते हैं कि हम कहा कि तो बता चुके हैं, तभी कभी हम मजाक भी कर देते हैं कि आप क्लास में हम ही बताए हैं, आप नोटबुक निकालिए, तो सर मेरा तो नोटबुक अभी मिल ले रहा है, अभी कल बात कीजिएगा, नोटबुक खोजिएगा, कल नोटबुक खोजिए, हम कहा मिल गया था सर, हाँ एकदम एग्जैक्ट आपको याद रहता है सर, जब जैसे आप बताए थे एकदम वैसे ही लिखा हुआ है, जब हमारा तो काम हो गया उसी से, अब पूछने की जरूरत नहीं। तो देखिए याद रखे हुए तो गोसवारा नोट कर लीजिए, अब फिर नहीं भुलाएगा आप लोग, कुछ लोग याद किए हुए हैं, तो वो जो गोसवारा किस लिए जाता है, दो कॉपी समन्स का इसलिए जाता है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ समन्स और कॉपी ऑफ, पहले तो कार्बन कॉपी होता था, आजकल जेरोक्स कॉपी होता है, तो जेरोक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्लेंट और ओरिजिनल कॉपी ऑफ समन्स, यानी कि समन मोसन्ना, वो तो डिफेंडेंट को मिल जाएगा। डिफेंडेंट जो है समन का जो कार्बन कॉपी या जेरोक्स कॉपी होगा, जिसको कि गोसवारा कहते हैं, वो गोसवारा पर वो अपना एक्नॉलेजमेंट लिखेगा, आई रिसीव समन या मैंने समन पाया, समन मुसन्ना पाया, जो भी लिखना हो वो लिखेगा, डेट दे देगा। इतना अगर हो गया तो ये हो गया पर्सनल सर्विस ऑफ समन्स, लेकिन उसके बाद भी ड्यूटी दिया गया है प्रोसेस सर्वर पे उनको, जो ये रूल्स में आप पढ़ेंगे नहीं, हम बता देते हैं जिस समझ जाइएगा, बाद में कभी पढ़िएगा तो देखिएगा जब भी मौका मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर पर्सनल ले लिया, एक्नॉलेजमेंट उसने दे दिया अपना दस्तखत बना के, तो उसी गोसवारा के ऊपर प्रोसेस सर्वर प्यून अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, किस तारीख को उसको समन मिला, किस तारीख को डिफेंडेंट के पास गया, किसने पहचान कराया, और डिफेंडेंट ने समन्स लेने के बाद क्या किया, ये पूरा वर्बेटिम लिखेगा, और लिखने के बाद अपना दस्तखत करेगा। यहाँ तक ये समाप्त नहीं होता उसका ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, उसके बाद क्या होता है, वो एफिडेविट करेगा, वही प्रोसेस सर्वर प्यून एफिडेविट करेगा, और एफिडेविट पर अपने रिपोर्ट को फिर वो अफर्म करेगा कि जो हमने रिपोर्ट लिखा है सही है। जैसे वो रिपोर्ट लिखेगा उसके बाद तुरंत वो रिपोर्ट करेगा, एफिडेविट करेगा, और वो एफिडेविट कहाँ करेगा, नाजिर के सामने करेगा, नाजिर उसके लिए ओथ कमिश्नर होता है,
Nazir is an oath commissioner for all those process server. और तब नाजिर उसमें अपना इंडोर्समेंट बनाएगा कि सो एंड सो प्रोसेस सर्वर ट्यून हैज ए फर्म बिफोर मी स्वेयर एफिडेविट एंड ए फर्म बिफोर मी, और तब वो दस्तखत अपना बनाएगा नाजिर। तब ये कंप्लीट तामिला का प्रोसीजर हुआ। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कहीं फॉल्ट है, तो तामिला वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर पर्सनल एक्नॉलेजमेंट है तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मान सकता है, लेकिन अगर रिफ्यूजल है तो एकदम नहीं माना है। तो दूसरा क्या है, एक स्टेज हो गया, दूसरा क्या है, अगर वो समन रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, तो सही में भी रिफ्यूज कर सकता है और गलत भी प्यून रिपोर्ट कर सकता है। दोनों एस्पेक्ट को समझिए। अगर रिफ्यूज करता है किसी भी हालत में, यानी कि अगर रिपोर्ट से पता चलता है कि डिफेंडेंट हैज रिफ्यूज टू रिसीव दिस समन्स, तब वही बात लिखेगा कि हमने इनको टेंडर किया, पढ़ के देखा और देखने के बाद इन्होंने लेने से और दस्तखत बनाने से इनकार किया। तो जब ऐसा रहेगा तब दो स्टेप उसको और लेना है। तब उसका जो घर है, उसके घर के मुख्य दरवाजा या दीवार जहाँ पर से देख सके कोई आदमी, दिखाई पड़े, वो खुद डिफेंडेंट भी देख सके, ऐसे जगह पर टांग देगा या चिपका देगा। और दो गवाह, स्वतंत्र गवाह आसपास के जो होंगे, उनसे वो गवाही बना देगा। यानी कि अगर रिफ्यूजल होगा तो आइडेंटिफायर के अलावे दो इंडिपेंडेंट विटनेस का गवाही बनाएगा, और तब उसी तरह से फिर वो एफिडेविट करेगा, और एफिडेविट पर नाजिर अफर्म करके तब वो रिपोर्ट उसका वैलिड होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो वो रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके आप एक्सपार्टी डिग्री पास करते हैं तो आपका एक्सपार्टी डिग्री सेट असाइड हो जाएगा। कितना हुआ एविडेंस रहे, कितना हुआ अच्छा रहे, वो आपका सेट असाइड हो जाएगा। तब उसके लिए क्या है, अगर वो स्टेज क्रॉस कर गया है, तब आप ऑर्डर 5 रूल 19 में समन्स दे करके उस प्यून को बुला सकते हैं, या जो कोर्ट हाउस में मौजूद है तो अपना कोर्ट प्यून को भेज के भी उसको बुला सकते हैं, और उस डॉक में बुला करके उसको ऑन ओथ एग्जामिन कर सकते हैं। यानी कि अगर उसका एफिडेविट प्रॉपर नहीं है या एफिडेविट बिल्कुल ही नहीं है, दोनों हालत में, इन एब्सेंस ऑफ एफिडेविट और फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस affected by the process server or the defendant, if the court is satisfied that it is not acceptable, then it is incumbent upon the court to call that process server pune as a witness in witness box and to depose on oath in support of the report which has he has written on the back of the gosmara. So, jo prativedan usne diya hai tamila ka, uske samarthan mein usko sapath par न्यायालय में आके कटघरा में खड़ा होकर के सपोर्ट करना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा, और कोर्ट चाहे तो उससे दो चार सवाल पूछ के उसके सत्यता को जांच और परख सकता है, और जब एविडेंस कंक्लूड हो जाए तो उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोर्ट रिजेक्ट करेगा कि तामिला रिपोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, फ्रेश समन्स जारी किया जाए। अगर एक्सेप्टेबल है तो प्रोसीड किया जाएगा। तो इसका स्टेज आएगा, कब आएगा, वो आएगा ऑर्डर 9 रूल 6 में। देखिएगा ऑर्डर 9 रूल 6, इसको नोट कर लीजिए, ऑर्डर 9 रूल 6 में ही कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस होता है। इसलिए कि अगर कोई समन्स तामिला प्रॉपर हो गया और नेक्स्ट डेट में डिफेंडेंट नहीं आया, तो आप एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर तामिला नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर चले आइए, तब ऑर्डर 5 के स्टेज में चले आएगा, फिर से तामिला होगा। तो ऑर्डर 5, 8 और 9 ये तीनों इंटरलिंक्ड है। तो आज का जो टॉपिक है वो तीनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से डिसोसिएट करके या आइसोलेट करके आपको समझिएगा तो डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम स्टेप बाई स्टेप समझा रहे हैं। तो पहला हो गया एक्सेप्टेंस, जहाँ पर कि एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज कर लिया सर्विस को डिफेंडेंट ने। दूसरा हुआ उसने रिफ्यूज कर दिया। तीसरा सिचुएशन है कि डिफेंडेंट से भेंट मुलाकात ही नहीं है,
ठीक है वो सब प्रिकॉशन लिया जाएगा, कुरियर से भी भेजने का हो गया, लेकिन अभी स्टैट्यूटरली वो नहीं, स्टैट्यूट बुक पर नहीं आया है, वो सब प्रिकॉशन लेने से है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप उसका नोटिस ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गया है, तो ये जो सॉफ्ट डॉक्यूमेंट है, ये सॉफ्ट पेपर है, ये सब भी अब डिजिटल जो एविडेंस है वो भी एक्सेप्टेबल हो गया है, तो किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ट्रेडिशनल चला रहा है, अनलेस एक्ट इज अमेंडेड, अब अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें भी सुविधा हो जाएगी। हमको इस पर एक मजाक भी है और तथ्य भी है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जैन भट्ट का डेथ हो गया, मालूम है कि नहीं? कंडोलेंस आप लोग के यहाँ हुआ होगा। तो जब यहाँ चीफ जस्टिस थे तो एक कैनरा बैंक का पूरे बिहार झारखंड और उड़ीसा का सर्किल ऑफिस यहाँ होता है, उसका कोई ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस था, कोई इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था। तो जब वो गुजरात में प्रैक्टिस करते थे भट्ट साहब, तो ही वॉज ए पेनल एडवोकेट ऑफ कैनरा बैंक, अब बहुत दिन तक 15-20 साल तक काम किए थे, इसलिए वो कुछ ऑफिसर्स लोग जो आए थे, जनरल मैनेजर वगैरह बड़े ऑफिसर सब, उन लोग से पर्सनल संपर्क था, उनको स्पेशली इन्वाइट किया गया था। और हम 1975 से कैनरा बैंक के पैनल में थे, तो बिहार और झारखंड उड़ीसा में आई वॉज द सीनियर मोस्ट पैनल एडवोकेट, तो हमको भी बुलाया गया था। तो हम लोग एक ही जगह बैठे थे साथ में कि आप लोग दोनों हैं पुराने पैनल वाले हैं, एक जज हैं, एक वकील हैं। तो बहुत चीज बात हो रही थी, वो डिनर वगैरह रात में प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, तो उस समय बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने एक टॉपिक जो उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट कहा, बहुत सारी बात हुई, आप जो मोबाइल की बात कहे उसी पर बोले कि पहली बार ये घटना जो बता रहे हैं, जो भट्ट साहब यहाँ थे, कितना साल हो गया एग्जैक्टली आप याद कर सकते हैं, उसके 8-10 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ पर मोबाइल की माने शुरुआत भी शायद नहीं होता, एक दुका आदमी को मोबाइल आ गया था, लेकिन इंडिया में फ्रिक्वेंटली नहीं आया। तो अमेरिका में ही कहीं गए थे कोई फंक्शन में या किसी काम से पर्सनल या कहाँ, वो दृष्टांत याद नहीं है। तो वहाँ पर आपस में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने कहा कि अब तो अमेरिका में ईमेल के जरिए शादी हो रही है, तो अपना एक्सप्रेशन दिए कि हमको लगा भाई ईमेल से शादी हो रही है, इंडिया में तो अभी तक फीमेल से शादी होती है, ईमेल क्या है? तब उनको ईमेल क्या है उनको वहां पता चला। तो अब समय आएगा, आज 1975 में ऑल एशिया लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हम लोग बहुत एस्पायरेंट थे, यंगस्टर थे, मनीला फिलीपींस में हो रहा था, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक था सेमिनार का, उसमें एक टॉपिक था रोल ऑफ ए कंप्यूटर इन द चैम्बर ऑफ ए लॉयर। तो 75 में हम लोगों को तो समझ में आया था कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ टाइप उप करेगा, अब क्या रोल है कुछ समझ नहीं आया हम लोग। तो डे बाई डे कितना साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आप खुद इमेजिन कर लेते थे, रिलायंस वाला जब प्रचार शुरू किया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी मुट्ठी में आपकी दुनिया है कि नहीं, बस उतर दुनिया मुट्ठी में। अब तो और एक वर्चुअल यूनिवर्स में आप चले गए, दूसरी दुनिया भी आपके मुट्ठी में, अगर इस दुनिया से मन उब गया तो उस दुनिया में लोग जा रहे हैं और अपना अभी से ही फ्रेंड वगैरह खोज रहे हैं, और बुकिंग भी हो गया है, वहाँ बुकिंग भी हो रहा है जगह का, स्पेस का। आभासी दुनिया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटावर्स। तब तो मेटावर्स में लोग बहुत लोग जाने लगे हैं, कुछ लोग तो जी रहे हैं मेटावर्स में, लेकिन हम लोग जो है अभी इसी यूनिवर्स में और इसी धरती पर है जो सनातन और पुरातन है, इसलिए इसी धरातल की बात करेंगे। खैर, तो अब यहाँ तक आप समझ गए। अब अगर डिफेंडेंट नहीं भेट होता, उसका एड्रेस लोकेशन नहीं पता चलता, तब चपरासी क्या करेगा? तो जो सही बात है वो लिखेगा कि उनका एड्रेस पता नहीं है या यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर चले गए हैं, तरह तरह का रिपोर्ट आएगा, कुछ भी होगा। तो उसमें भी उसका ये ड्यूटी लगा दिया गया है स्टैट्यूटरली कि ये रिपोर्ट लिखेगा तो उसमें भी दो विटनेस उसको चाहिए, और उसके घर के दरवाजे पर या कोई कंस्पिक्यूअस पार्ट है जहाँ से आदमी जाता आता है गुजरता है तो देख सकता है,
वहां पर चिपका देगा या लटका देगा, लटका देगा और उसी तरह से रिपोर्ट लिखेगा, फिर उसी तरह से एफिडेविट करेगा, तो वो भी एक बोर्ड है। अगर ये सब फेल कर गया तब क्या होगा? तो इसीलिए बनाया गया बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा समन्स, तो उसको ज्यादा लोग महत्व दे रहे हैं, स्टैट्यूट में भी दे रहे हैं और प्रैक्टिस में भी दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझिए, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन व्हाट इज रजिस्टर्ड पोस्ट? जो बोलना चाहते हैं हाथ उठाइए पहले। रजिस्टर्ड पोस्ट से आप क्या समझते हैं? बोल चाल की भाषा में तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग अब चिट्ठी उठी नहीं पोस्ट करते होंगे, पोस्ट ऑफिस तो गए भी नहीं होंगे, ये सब अभी तो जरूरत ही नहीं है जाने का। हम लोग पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा के खड़ा होते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट करना रहता था। उस जमाने में स्पीड पोस्ट नहीं था, कुरियर नहीं था। देखिए सिंपल है, रजिस्टर्ड डीड से क्या समझते हैं? वैसे आइए, रजिस्टर्ड डीड से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ए रजिस्टर्ड डीड? चाहे सेल हो, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो, विल हो, कोई भी डीड हो, जैसे ही हम कहते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप सोचिए, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर सोचिए, एज ए जज सोचिए कि फिर द इशू इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो दूसरा चीज है। हाउ ए डॉक्यूमेंट इज सेट, जैसे हम आपको एक डॉक्यूमेंट अभी दे दें और बताएं कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? हाँ ठीक है, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए, आवाज थोड़ा तेज बोलिए, माइक नहीं तो लीजिए, यहाँ से माइक लीजिए, माइक लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड भी है और नहीं भी है। आप क्या बोले, बोलिए, बताइए आप। ठीक, देखिए वो तो हुआ उसका एविडेंसरी वैल्यू, पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं है ये तो अलग है इशू। अब देखिए जानिए, जज को या लॉयर को, ये लॉ के स्टूडेंट को बेसिक चीज समझना चाहिए। आप बता रहे हैं कि उसका नंबर होता है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि नंबर होता है, डीड नंबर लिखा रहता है, आप बता रहे हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये सब नहीं, वो कैसे समझेंगे कि ये रजिस्टर्ड है? हाँ अब आए जगह पर, देखिए सुनिए, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर पर इंटर्ड हो जाता है, यानी कि ए टू जेड उसका कंटेंट्स रजिस्टर पर इंटर्ड हो गया, तो रजिस्टर है नाउन। अंग्रेजी आप लोग का कमजोर नहीं ना होना है, रजिस्टर इज ए नाउन, और रजिस्टर्ड का मतलब हुआ रजिस्टर पर इंट्री करने की प्रक्रिया, वो वर्ब हो गया, और उसको जब हम कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो वो एडजेक्टिव बन गया, तो वो नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया वैसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर का मतलब कहाँ रजिस्टर होगा, तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, ये जहां पर जमीन संबंधी रजिस्ट्रेशन होता है, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट डील करता है, दे आर कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस। तो रजिस्ट्रेशन रूल्स में प्रावधान है कि कितने तरह का डॉक्यूमेंट होता है और उस कौन सा रजिस्टर होगा, देखिएगा बुक नंबर, जिल्द नंबर, ये सब लिखा रहता है। तो हर डॉक्यूमेंट का नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है और उसका बुक नंबर अलग अलग है। सेल डीड होगा बुक वन में, गिफ्ट डीड होगा बुक टू में, विल डीड होगा बुक फाइव में, इस तरह से उसका कैटेगरी बना होगा। तो आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का पहचान के लिए तीन क्राइटेरिया है,
पहला क्राइटेरिया है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट और सील होगा और उसी के बगल में ऊपर नीचे या पैरेलल में उसका सर्टिफिकेट में पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा कि ये डॉक्यूमेंट किस एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड हुआ है, किस तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है और इसकी एंट्री किस बुक पर कितना पेज में कहां से कहां तक है। तो ये जब डिजिटलाइजेशन रूल्स नहीं आया था उसके पहले के स्टेज में बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, जिल्द नंबर, पेज नंबर ये सब रहता था और हर डीड के बैक में वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार का सील के साथ रहता। अभी क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है तो कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, जैसे अभी प्लेंट का डुप्लीकेट कॉपी फाइल होता है तो डीड का भी डुप्लीकेट कॉपी फाइल होता है और एक हार्ड कॉपी प्रिजर्व हो जाता है और एक सॉफ्ट कॉपी बन जाता है उसका, तो भी वो एंट्री होता है, बाद में एंट्री होता है। तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट फर्स्ट पेज पर ही हर डॉक्यूमेंट के, अभी जो देखिएगा 95 के बाद से रूल्स चेंज होना शुरू हुआ और 205 के बाद से लगता है कि या 2008 के बाद से आया है, उसमें फर्स्ट पेज पर आप सर्टिफिकेट देखिए पूरा प्रिंटेड रहता है, टाइप कंप्यूटर से टाइप प्रिंटेड रहेगा सर्टिफिकेट, उसमें नंबर रहेगा और एडिशनल क्या रहेगा उसमें सीडी नंबर भी दिया रहेगा, उसका सीडी भी बन जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो सीधा सवाल का आंसर ये हुआ कि वैसा डॉक्यूमेंट जिसका पूरा कंटेंट्स ए टू जेड किसी रजिस्टर पर कोई स्टैचूटरी प्रोविजन के अंतर्गत अगर इंटर्ड कर दिया गया है तो वो कहलाएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या हुआ, रजिस्टर पर एंट्री होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से जब लेटर हम लोग पोस्ट करते हैं तो पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं तो लेटर की पोस्टिंग हो गई, लेकिन अगर रजिस्टर्ड लेटर देना है तो पोस्ट बॉक्स में नहीं डालते हैं, उसको कहाँ डालते हैं, काउंटर पर। तो काउंटर पर जो क्लर्क रिसीव करता है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है और रजिस्टर पर वो नंबर देता है। पुराना जो देखिएगा रजिस्टर उसमें भी अब सिस्टम चेंज हो गया, उसमें RL नंबर लिखा रहेगा, रजिस्टर्ड लेटर नंबर। तो स्पीड पोस्ट जो अब आ गया इट इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड नंबर, और रजिस्टर्ड लेटर के बारे में बहुत सारा प्रावधान है कि अगर खो जाएगा तो कंसर्न पोस्टल स्टाफ की नौकरी भी जा सकती है, सस्पेंड भी हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है और उसमें भी उसको इंश्योर्ड करने का भी प्रावधान है। तो इसके लिए पोस्टल एक्ट है, इंडियन पोस्टल एक्ट, उसके अंतर्गत प्रावधान है। तो रजिस्टर्ड लेटर का प्रिजम्पशन है लॉ में, इफ द लेटर इज पोस्टेड इट हैज रीच्ड इट्स डिस्टिनेशन। तो तीन तीन जगह प्रिजम्पशन है कानून में, इसीलिए ये प्रैक्टिस में आ गया, लेकिन कैसे आ गया ये जान लीजिए। पहला है जनरल क्लाउजेज एक्ट, नाम सुने आप लोग, तो जनरल क्लाउजेज एक्ट के सेक्शन 26 में ये प्रिजम्पशन है कि कोई लेटर अगर पोस्ट हुआ है और उसका पता सही दिया हुआ है और पोस्टल जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो सही दिया हुआ है तो इसका माने है जब पोस्ट हुआ तो पहुंच गया। लॉ में ये मानना है कोर्ट को, लीगल प्रिजम्पशन इज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट अनलेस कॉन्ट्ररी इज शोन। दूसरा है इंडियन पोस्टल एक्ट में भी प्रावधान है इसका, वो माना जाएगा कि सर्व हो गया। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 सब क्लॉज रोमन में 3 ब्रैकेट में स्मॉल ई, उसमें भी प्रावधान है। तीन तीन एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब हुआ कि ये रजिस्टर समन्स अगर गया है तो रजिस्टर समन्स के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। जो एक ऑर्डिनरी लेटर्स रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है उसके जगह पर उस इन्वेलप में सम्मन, मुसन्ना, गोसवारा सब डाला हुआ है, यानी दो कॉपी सम्मन का एक कॉपी प्लेंट का डाला हुआ है, इन्वेलप बंद है, एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट, दैट इज इमेटेरियल। एक्नॉलेजमेंट सुविधा के लिए, जानकारी के लिए किया गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होकर के आ गया तो सो मच सो गुड, अगर बिना एक्नॉलेजमेंट के है
तो भी लॉ में प्रिजम्पशन है कि उस सर्व हो गया, लेकिन लेजिस्लेचर ने और भी प्रिकॉशन लिया, इसमें प्रावधान मिलेगा आपको ऑर्डर 5 में कि अगर पोस्टल आर्टिकल लौट करके 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड में नहीं लगा तो ये माना जाएगा कि सर्व है, तब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सर्विस मानना है, तो आपको डिक्लेयर करना है, तो ऑर्डर 906 में आप सर्विस वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या चाहिए, तो किस तारीख को पोस्ट हुआ, तभी जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप आदेश करते हैं कि निबंधित डाक से सम्मन निर्गत करें, ये आदेश आप करेंगे, बादी को आदेश दिया जाता है कि अपेक्षित दाखिल करें, अपेक्षित का मतलब हुआ रिक्विजिट्स, जो नहीं जन समझते हैं तो नोट कर लिए, रिक्विजिट्स को हिंदी में अपेक्षित कहते हैं, और रिक्विजिट्स में सभी आता है, सम्मन मुसन्ना तलवाना सभी आता है, तो जब रिक्विजिट्स दाखिल करें आदेश करेंगे तो प्लेंटिव की ओर से रिक्विजिट्स दाखिल किया जाएगा, यानी कि इनवेलप दाखिल होगा, समन्स वगैरह जो है कॉपी समन्स का और प्लेंट की कॉपी सब दाखिल होगा, कोर्ट का उस पर सील होगा और सिग्नेचर होगा, चूंकि पहले पढ़ के बता चुके हैं कोर्ट के दस्तखत से ही समन्स जाएगा, तब फिर वो प्रैक्टिस में है कि सुविधा के लिए कोर्ट का सिग्नेचर होने के बाद ऑफिस जो है प्लेंटिव के लॉयर को या उसके क्लर्क को, लॉयर्स क्लर्क को दे देता है कि आप पोस्टल आर्टिकल जो है इसको ले जाके वहाँ डिलीवर कर दीजिए पोस्ट ऑफिस में, और पोस्टल रिसीट ला के दीजिए, ये काम उसका है, अनऑफिशियली काम लेता है, लेकिन कभी कभी आपको ये सब चीज़ को कुछ रिकॉग्नाइज, कुछ गलत काम भी हो रहा है लेकिन उसको लीगलाइज करके मान के चलना पड़ेगा, जैसे सिविल कोर्ट में नाजायज पेशकार होता है और नाजायज प्यून भी होता है, जानते हैं ना, कुछ दिन में नाजायज जज भी बैठेगा आप लोग ये जानते हैं कि नहीं कि हर जज को, अब पटना हाई कोर्ट में भी शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में हर जज के साथ कुछ वकील लोग अटैच रहते हैं जिसका कि कुछ नाम दिया गया है, पहले उसको जज एडवोकेट बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा बड़ा जजमेंट देखते हैं 200 पन्ना 500 पन्ना 1000 पन्ना, वो सब वकील लोग बेचारा दिन भर पढ़ पढ़ के खोज खोज के सब निकाल के रखता है, और नहीं तो पॉसिबल है एक जज एक दिन में 10 20 50 केस डिस्पोजल कर रहे हैं, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो उसी तरह से आप लोग के यहाँ भी जब बहुत सा जजमेंट आपको हो जाएगा डिस्पोजल का, आप होगा कि आपको एक दिन में 5 जजमेंट देना है तो क्या कीजिएगा, तो आप भी कोई नाजायज अपना रखिएगा मजिस्ट्रेट अब वो पोस्टल आर्टिकल लॉस्ट हो गया तो उसका प्रावधान ऑर्डर 5 में है, प्रिजम्पशन होगा कि वो अगर सर्विस होके एक्नॉलेजमेंट आ गया सो मच हो, अगर एक्नॉलेजमेंट लौट के नहीं आया और पोस्टल आर्टिकल भी नहीं आया तो जिस दिन पोस्टिंग हुआ वो डेट रेलेवेंट है, तो जो प्लेंटिव का एडवोकेट या क्लर्क ले जाता है ऑफिस से और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के बाद वो जो पोस्टल रजिस्ट्रेशन रिसीट होता है उस रिसीट को फिर रिकॉर्ड में लगा देता है, तो वही प्रूफ है कि किस तारीख को पोस्टिंग हुई। मान लीजिए आज 5 जनवरी को आपने आदेश किया, ठीक है, 8 जनवरी को रिक्विजिट्स फाइल हुआ, 10 जनवरी को कोर्ट से इशू हुआ, 15 जनवरी को उसने पोस्ट किया, तो बहुत सारा डेट आ गया, तो 30 दिन काउंट होगा वहाँ जिस दिन पोस्ट हुआ 15 जनवरी से, तो एक ये भी मोड हो गया। अगर ये दोनों तीनों मोड जो बताए सब फेल कर गया, नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, तब उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ऑर्डर 5 रूल 20 और 21 उसके लिए बना हुआ है। तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मतलब है क्या, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित करना, जैसे सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग जानते हैं कि कोई पार्टी मर गया तो उसके जब उसके वारिस को
उसके एयर्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो उसी तरह से ओरिजिनल जो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स है, जो मेन स्टीम प्रोसीजर है, वो फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद ही प्रॉपर सर्विस नहीं हो सका, तब ऑल्टरनेटिव रेमेडी के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का आजकल मिसयूज हो रहा है। वो सब जजमेंट दिया है आपको, बाद में पढ़िएगा, गौर कीजिएगा, उस पर हर पॉइंट पर एक एक जजमेंट हमने दे दिया है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आजकल रूटीन वे में, जिसको कहते हैं मैकेनिकली, प्रेजाइडिंग ऑफिसर इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज अ मुंसिफ और सब जज और डिस्ट्रिक्ट जज, हर स्टेज में देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले गया का मेरे पास केस आया था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने पेपर पब्लिकेशन के लिए आदेश दिया था, हाईकोर्ट से मैंने सेट असाइड करा दिया। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पहले समझ गया और नहीं तामिल हुआ या इवेट कर रहा है इसलिए पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, पेपर पब्लिकेशन करा दिया गया। तो पेपर पब्लिकेशन के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट बात है जो हम बताना चाहते हैं, और ये बारीकी से अभी हम समझा रहे हैं, लॉ बाद में पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एज ए मैटर ऑफ रूटीन और एज ए मैटर ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टू बी adopted that in each and every case at initial stage itself paper publication is directed to be made. पहले आप step ले लीजिएगा, summons तलवाना जाएगा, register court से जाएगा, उसके बावजूद भी अगर proper valid service नहीं procure हो रहा है तब आप substituted service में जाइएगा। तो substituted service में दो मोड है। पहला मोड है paper publication, आज के तारीख में बहुत बड़ा costly हो गया है, हाई कोर्ट में हम लोग तो कराते हैं, एटलीस्ट दो पेपर में कराना पड़ता है, तो आजकल 40,000 से 50,000 रुपया लग जाता है हम लोग को पेपर पब्लिकेशन में। उसके पीछे भी कुछ कारण है, सिविल कोर्ट में भी कुछ कुछ है जो पेपर का एजेंट सब लगा रहता है, वो लोग कमीशन के चक्कर में खास पेपर में ही डलवाता है जिसका रेट ज़्यादा है। तो कुछ कम पैसा वाला भी पेपर है, फिर भी आजकल 14-15 हज़ार रुपया लग जाता है, लोअर कोर्ट से भी आता है जो देखते हैं उसमें रहता है, तो ये खर्चीला भी है, एक एक्स्ट्रा वर्डन होता है क्लाइंट के ऊपर। इसलिए उसमें पहले कोशिश करना चाहिए कि आप स्पेशल प्यून डिप्यूट करके उस पर सामना फिर से समन भेजें, तो क्रॉस चेकिंग भी हो जाता है कि पहले वाला प्यून गड़बड़ किया कि नहीं किया। तो स्पेशल प्यून के लिए वो तलवाना कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन आजकल जो रेट है उसके हिसाब से 100-150 से ज़्यादा नहीं लेगा, उसमें परहैप्स एक दिन का सैलरी जो आता है उस प्यून का, वो एक दिन का सैलरी देना पड़ता है, वो एक ही काम करेगा उस दिन, उसी प्लेंटिफ के सेवा में वो रहेगा, तो गवर्नमेंट उसको क्यों सैलरी देगी। इसीलिए उसको बनाया गया कि उसका एक डे का सैलरी और कन्वेंस चार्जेज वगैरह मिला के उतना वो लोग जानता है। तो कोर्ट में आदेश होता है, आप आदेश कीजिए कि अपना रिपोर्ट मंगा लीजिएगा सिजदार से कि स्पेशल प्यून के लिए मात्र 200 रुपया या 300 रुपया जमा करें पार्टी, तो वो आप डिप्यूट कर दीजिएगा, बाय नेम मालूम रहता है ऑफिस को, नाम आ जाएगा, तो प्रोसीजर फिर स्पेशल प्यून का वैसा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ दो प्रिकॉशन लेना, ये स्पेशल प्यून पहले पूरा कोशिश करेगा उसको फाइंड आउट करने का, जब नहीं मिलेगा तो बाई बीट ऑफ ड्रम अनाउंसमेंट करेगा कि हम कोर्ट के आदेश से आए हैं, अमुक केस में आए हैं, पब्लिकली अनाउंस करेगा, पब्लिक प्लेस जहां पर है, इंपॉर्टेंट जगह, चौराहा वगैरह उसके घर के आगे अगल बगल में, और अनाउंस करेगा बाय बीट ऑफ ड्रम, तो जो ड्रम बीटर है उसका भी सिग्नेचर लेगा, दो विटनेस का भी लेगा, उसी तरह से रिपोर्ट करेगा और उसी तरह से रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा और नाजिर उसको अफर्म करेगा, तब आएगा, तब उसका वैलिड समझा जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तब दूसरा अल्टरनेटिव मोड है पेपर पब्लिकेशन। अब पेपर पब्लिकेशन के लिए दो तीन क्राइटेरिया जिसको ध्यान देना जरूरी है, उसमें बहुत सा नहीं ध्यान देने से मिस्टेक होता है, ऑर्डर गलत हो जाता है और ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो पहला ये देखना है कि पेपर पब्लिकेशन करने के अतिरिक्त कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपके ऑर्डर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कब रिफ्लेक्ट होगा, जब आप ये लिखेंगे ऑर्डर में कि इसमें पहले ऑर्डिनरी प्रोसेस सर्वर प्यून लेके गया था वो तामिल नहीं हो सका, रजिस्टर्ड पोर्ट से गया था वो तामिल नहीं हो सका था, रिफ्यूजल होके आया जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या आदमी नहीं रहता है, बाहर रहता है, उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, कोई भी जो भी हो रीजंस, वो सब लिखते हुए बैकग्राउंड रीजंस असाइन करते हुए
तब आप आदेश कीजिएगा कि देर इज नो ऑल्टरनेटिव सेव एंड एक्सेप्ट टू ऑप्ट फॉर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस बाई पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन न्यूज़पेपर। तब न्यूज़पेपर के लिए देखना होगा कि जिस एरिया में जो डिफेंडेंट रहता है उस एरिया में उस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन होना चाहिए। पहला, जो लैंग्वेज वो जानता है उस लैंग्वेज का वो होना चाहिए पेपर। तीसरा, वो डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, मंथली और वीकली नहीं होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, अब जैसे बंगाल में कोई डिफेंडेंट रहता है तो ऑर्डिनरी बंगाल में रहने वाला लोग बंगाली जानता है, हिंदी नहीं जानता है। अगर उसको हिंदी न्यूज़पेपर में जो बंगाल में सर्कुलेशन है करा देंगे तो प्रॉपर सर्विस नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ के लिए बंगाल में जिसका सर्कुलेशन है डेली न्यूज़पेपर है और बंगला इशू में कराना होगा। अगर पटना में अगर हो रहा है कराना है तो यहाँ पर बंगला में अगर कोई कर दे या उर्दू में कर दे पेपर में तो वैलिड नहीं होगा। अगर तेलंगाना में रहता है तो तेलुगु में करना होगा। इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा और उसी तरह के पेपर में रहेगा तब प्रायमा फेसी एक्सेप्टेबल होगा। अगर वैसा नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो इनवैलिड सर्विस रिटर्न हो जाए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको रीजन असाइन कर लेना होगा। एक जजमेंट हमने दिया है आपको उसमें राइटअप में सुप्रीम कोर्ट का, इसी ग्राउंड पर हो गया कि मैकेनिकली पेपर में पब्लिश करा दिया गया। ये प्रैक्टिस आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कई केसेज में मेरे पास आया हाई कोर्ट में। तो ये नहीं होना चाहिए, पहले लिखना चाहिए कि ये सब स्टेप लिया गया है, अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए पेपर में पब्लिश कराया जाता है। तो पेपर में पब्लिकेशन का जो कंटेंट्स होता है वो लोअर कोर्ट में वैरी करता है, हाई कोर्ट में स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसलिए कि जो क्लर्क डील करता है हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से, वहाँ पर हम लोग कंटेंट्स नहीं बनाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड कंटेंट्स बना हुआ है। हम लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, पेमेंट करते हैं और वो ऑफिस वाला कंटेंट्स खुद देता है और उस पर जज का दस्तखत होता है और जो एडिटर ऑफ द प्रेस होता है जिस पेपर में निकालना है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकालना है तो उसके एडिटर के नाम से वो जज के नाम से लेटर चला जाता है, ऑफिस भेज देता है और बिहाफ में जो वहाँ का ज्वाइंट रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह के सिग्नेचर से जाता है इन द नेम ऑफ द जज, तो डायरेक्ट ऑर्डर चला जाता है और वही कंटेंट्स पब्लिश होता है। लेकिन आपके यहाँ CPC में वो जो प्रावधान है और जो सिविल कोर्ट रूल्स है उसके हिसाब से आपको अपने बनाना चाहिए, आपके ऑफिस को बनाना चाहिए। तो ना आपको जानकारी है ना ऑफिस को जानकारी है। तो जनरली लोग कहते हैं प्लेंटिफ के लॉयर को कि आप लोग उसका कंटेंट्स बना दीजिए, तो आजकल के प्लेंटिफ के लॉयर्स लोग का भी बढ़िया एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं है, तो वो लोग भी पुराना कहीं से निकाल के रखे रहते हैं या टाइपिस्ट लोग रखे रहता है, अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में रखे रहता है उसी को दे देता है। तो एक नज़र उसको भी आप लोग को देख लेना चाहिए, उससे ये पता चलना चाहिए पर्पस क्या है कि डिफेंडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि किसने केस किया, किस बात के लिए केस किया, क्या दावा उसके खिलाफ है, ताकि वो आंसर कर सके। तो पेपर कंटेंट्स जो रहेगा नोटिस का, पेपर का जो जिसमें छपेगा, तो पेपर छपने के बाद उसका एक इशू आपके रिकॉर्ड में आना चाहिए या पेपर का कटिंग आना चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा तब उसको वैलिड सर्विस डिक्लेयर कीजिएगा। तो उसमें कंटेंट्स में ये देखना चाहिए, अगर वकील के तरफ से आता है तो ये देखना चाहिए कि उसमें प्लेंटिफ का नाम सही है कि नहीं, डिफेंडेंट का नाम सही है कि नहीं, ऑफिस से चेक करवा लीजिएगा। और जो क्लेम है वो सब रिलीफ के बारे में उसमें शॉर्ट में या हूबहू रिलीफ लिखा हुआ है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है कि नहीं, किस डेट को अपीयर होना है। बहुत सा पेपर में ऐसा देखा कि उसमें डेट ऑफ अपीयरेंस ही लिखा हुआ नहीं है। और समन्स का जो कंटेंट रहता है कि यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू अपीयर इन पर्सन और थ्रू प्लीडर टू आंसर द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, तो उस तरह का कुछ टर्मिनोलॉजी रहना चाहिए जिससे पता चले कि द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपियर आइदर थ्रू एडवोकेट और इन पर्सन एंड टू रिप्लाई द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ इज द प्लेंटिफ हैज मेड इन द प्लेन मेजर पार्ट ऑफ द रिलीफ का जिस्ट उसमें रहना चाहिए, तब वो वैलिड कंप्लायंस होगा। उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे तब वो वैलिड रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को है? कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ गए? अब 4 बजे टी ब्रेक होता है।
लगता है कि आप लोग को चाय की आवश्यकता है, और उसके बाद मेरा क्लास नहीं है, किनका क्लास है? डायरेक्टर साहब का। तो आप चाय के बाद डायरेक्टर साहब से आप लोग इंटरेक्ट कीजिएगा, और लास्ट डे है ना। चलिए, अब जितना हम लोग डिस्कस किए उसके बारे में किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, 5 मिनट में सबको जवाब दे देते हैं, या पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो रिलैक्स कीजिए। एनी क्वेश्चन? नो? नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।